हाय हाय परिणीति जी ओ oh, तुम सोच के पूछो कुछ नहीं ऐसे बहुत सिंपल सवाल है दो सवाल है मेरा आपसे पहला ये कि किसी की बायोपिक करने के लिए डिक्टो दिखना जो है बहुत ही जरूरी होता है एक्टिविटीज जितना भी हमने देखा तो जब से टीजर आया सोशल मीडिया पर ढेरों सारे आ, कमेंट्स चालू हो गए कुछ एक आपने रिप्लाई किया कुछ एक पॉजिटिविटी है कुछ एक निगेटिविटी है तो जो ट्रोलर्स हैं उन्हें कैसे देखती हैं आप जिनका कुछ एक का आपने जवाब भी दिया तो आप अगर बताना चाहें नहीं मैंने किसी को जवाब नहीं दिया मैं ट्विटर पे एक कौन है कभी किसी को जवाब नहीं देती बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूँगी मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे एंड आई यू जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ तो मैं अपना माइंड यूज करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की जरूरत है उस बारे में या ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है आपने साना जी के ऊपर बायोपिक की तो क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम देखेंगे परिणीति चोपड़ा जी के ऊपर भी बायोपिक बनेगी ओ लॉर्ड एंड अगर करेगा तो आपके अनुसार कौन वो एक्टर है जो आपके किरदार को फिट बैठता है मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए <laughs> तुम ही हो मेरे सबसे पुराने दोस्त मैं चाहती हूँ कि अभी तुम साइन कर लो ये पिक्चर इन एंड एज परी विनोद सर अभी साइन कर लिया जाए नहीं मुझे लगता है बायोपिक बनने के लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी पड़ती है आई थिंक उसी में आपकी एक कहानी बनेगी और उसी को दुनिया देखना चाहेगी तो मेरे लिए तो अभी सिर्फ शुरुआत है शायद पचास साल बाद जब मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगी तब प्लीज़ बनाना